नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करते हैं। पटना में दीपावली और छठ पूजा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें कि पूजा में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसी को लेकर पटना पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये पुलिस पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार किया जा रहा है ताकि शांति समृद्धि ये महान पर्व बीत सके। उद्देश्य यही है। चेकिंग कितने बजे तक, समय कितने से कितने निर्धारित किया गया था? अभी 7 से 9 बजे तक लिखिए करेंगे हम लोग। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत संदलपुर की रहने वाली एक नवविवाहिता को उसके पति और ससुराल वालों ने जिस्म फरोशी के धंधे में बेच डाला। कानपुर में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे में नवविवाहिता करीबन 4 वर्षों तक इस बाजार में घुटती रही। हालांकि मौका मिलने पर महिला वहां से फरार होकर अपने घर कटिहार पहुंची, जिसके बाद परिजनों के साथ वो कोढ़ा थाना पहुंची। वहीं कोढ़ा थाना पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, लेकिन जांच रिपोर्ट इतने दिनों आने के बाद भी, मामला दर्ज होने के बाद भी पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। वहीं पीड़िता के पिता जिले के पुलिस अधीक्षक के अलावा डीजीपी मुख्यालय तक न्याय का गुहार लगा रहे हैं, मगर कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं झलक रही। एक गिलास पानी लाई, बोलिए पानी पी लो। मुझे पानी पिलाई, पानी पीने के बाद मुझे होश नहीं है, मुझे नहीं पता। फिर एक बार में होश आया 2 दिन के बाद, तो मुझे जब आँख खोली मेरी तब देखी तो कानपुर स्टेशन में। कानपुर यूपी? जी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ मेरी आँख खोली। तब उसके बाद एक आदमी से पूछा, भैया ये कौन सी स्टेशन है? तो बोला कानपुर। मेरे साथ बलात्कार करते कौन? तीनों आदमी मिलके मारा। तो मार खा के बर्दाश्त करके रह गया। हमको फोन किया कि भाई इस तरह का बात है, हमको जो है मारपीट करते हैं, हम गरीब आदमी हैं, किसी का काम में चले गए थे मजदूरी करने के लिए। हम उस दिन जा नहीं पाए, हमको कुछ दिन लेट हुआ, तो हम गए। तो वहाँ जब गए, लड़की का तलाश किए, तो लड़की जो है घर में नहीं मिला हमको खोज करके। तो हम उस टाइम में भी एक कंप्लेन हम दायर किए थे कोर्ट में, तो कोर्ट से जो है हमको कुछ न्याय नहीं मिला। तो फिर जो है एक कंप्लेन हम किए सीएम का यहाँ, तो वो चला गया थाना। थाना गया, एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद में जांच पड़ताल सब कुछ हुआ, सुपरविजन हुआ, हर चीज़ हो करके कंप्लीट है। और इस बीच में जो है लड़की 31/7 को लड़की हमारा कहीं से भटक के घर आ गया। घर आ गया तो हम लोग गए डीएसपी के पास लड़की को लेकर के, वहाँ बयान करवाए। ये महिला थाना भी बयान करवाए, मेडिकल भी हुआ लड़की का, 164 का बयान भी कोर्ट में हो चुका है। राजधानी पटना के दिघा थाना अंतर्गत रामजी चक में दिघा थाना के दरोगा मिथिलेश सिंह ने रामजी चक के बच्चों के बीच जाकर आने वाली पर्व दीपावली और छठ पूजा के दौरान बच्चों की सुरक्षा, नशा और अपराध से बचने के उपाय और साथ ही साथ शिक्षा का महत्व बताया। वहीं आनगन एनजीओ के द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। कि एक आदमी क्या करता है, वहाँ का परंपरा है, विदेश बाहर का है कहानी, वहाँ का परंपरा है कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता था, बर्फीली इलाका है, तो वहाँ बिल्कुल स्लैब टाइप का बना होता था, स्लैब पे उस बूढ़े को बैठा दिया जाता। मधुबनी के सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान के पास कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसका सूबे में कृषि और मधुबनी जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। जैसा कि आप जानते हैं और जिनके द्वारा जो हमारे सरकार का एक निश्चय क्रियान्वित किया जा रहा है, मैं सरकार भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। किसी भी महत्वपूर्ण स्थान तकरा जोड़ल जाए, तकरा एक दूसरे से जोड़ल जाए, भारत के महान महान नाटककार, भारत के महान साहित्यकार कालिदास की भूमि सा महान आध्यात्मिक पुरुष मंडन मिश्र के जोड़े के जोड़ना पारित भाग और वो डोलना।
मधुबनी से एक बड़ी खबर है। बता दें कि मधुबनी में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बच्ची को DMCH रेफर कर दिया गया है। वही ये घटना फुलपरास थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल ने कांटे की टक्कर में राजद प्रत्याशी राबिया खातून को 4,963 मतों से हरा दिया है। वहीं जदयू प्रत्याशी के जीत के बाद जदयू और एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा। सरकार के द्वारा जो बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास हो रहा है और साथ ही साथ केंद्र के सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास लेकर के जो विकास हो रहा है, यानी मुख्य रूप से जो सारी जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, चाहे वह 44 विभाग हो और 400 प्रकार की अधिक योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को एकदम जमीन पर धरातल पर पारदर्शिता के साथ लागू होना मेरा। दरभंगा जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जेल प्रशासन को पता चला कि जेल परिसर की पश्चिमी तरफ से किसी ने दीवार में सुरंग बना दिया है, जिसके बाद जेल प्रशासन मौके पर पहुंचकर टूटे दीवार का निरीक्षण करते हुए इस बात की जानकारी दरभंगा के जिलाधिकारी को दी। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर DSP टूटे हुए चार दीवारी को जुड़वाने का आदेश दिया है। मतलब कहने का है कि जो जेल है उसकी चार दी आउटर बाहरी दीवार में जो जेल के पश्चिम साइड में जहां आबादी लोग हैं वहां जस्ट बगल में तार का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, तालाब है, वहां लोग जाते आते हैं दूरी से घूम कर करके। तो इसी के लगता है कि कोई ऐसा शरारती तब रात में जो कर दिया गया है उसको भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के मोहनपुर मधुबन पंचायत के जाली टोला में श्री श्री 1008 एक दिवसीय शक्ति महायज्ञ को लेकर ध्वजारोहण और भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मसौढ़ी गांधी मैदान में चल रहे 5 दिवसीय महात्मा गांधी समारोह के अवसर पर धनरुआ CDPO ज्योति के नेतृत्व में मसौढ़ी गांधी मैदान में पोषण को लेकर कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें धनरुआ प्रखंड के अलावा मसौढ़ी और पुनपुन प्रखंड के CDPO और मसौढ़ी CDPO सहित सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं मौजूद रहीं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने ऑटो सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने सिंगौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के समीप इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक अपराधियों के संबंध में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी। टेम्पू से जा रहे थे, टेम्पू पर ही हमला कर दिया, वो सिंगौल पोखर के पास 12 गोली हम एक्सरे के दौरान देखा गया कि 12 गोली उनको लगा हुआ टेम्पू से, बोले टेम्पू ला दे, 3-4 आदमी से हम सवारी करके लेकर जा रहे थे बरौनी का ओर, और जगह बाद इनको से विधायक जी के पंप के सामने NH पर इनको दो बाइक से 3-3 आदमी सवार होकर इसको टेम्पू को घेर लिया के बाद इसको गोली चलाने लगे। शायद चुने थे, 6-7 गो चुने थे वहाँ पक्का
फिर आप यहाँ में है क्या है निकालेंगे तब बोला जो बरौनी जाने का है हमको पहुँचा दो। तो रिजर्व में वो 300 में बात किया था जो हमको जैक्सन बरौनी जैक्सन पहुँचा दो। उसके बाद ये जो बोगो सिंह का जो पेट्रोल पंप है उसी समय उसी जगह वो बाइक से दो बाइक था हम उसको दो बाइक देखे आगे से एक घुमाया और उसके बाद एकाएक तो वो आगे मार गया तो हमको रोकना पड़ गया और उसके बाद गोली चला दिया। कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल नौबतपुर में अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर पेरेंट्स टीचर की बैठक हुई जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही दीपावली के अवसर पर अभिभावकों को ये भी सलाह दिया गया कि वे अपने बच्चों को कम से कम पटाखों का उपयोग करने दें। यही बताया गया था कि पटाखा ना से नहीं फोड़ा जाए, फिर भी अगर हमें बताया गया पटाखा नहीं फोड़े क्योंकि पटाखा के ज़्यादातर हानि हमारे पर्यावरण को होती है, इसलिए इसको नहीं फोड़े तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी अगर कोई फोड़ता है तो उन्हें सलाह दें, जो कि हमें सर बताया था कि 8 से 10 के बीच ही फोड़े, कम धुआं वाला पटाखा फोड़े। हमने शपथ लिया था कि हम लोग को पटाखा 8 से 9 बजे तक 8 से 10 के बीच में छोड़ना चाहिए और जो ज़्यादा धुआं देने वाला पटाखा है उसे नहीं छोड़ना है और अपने भी नहीं छोड़ना है। 6 में और 1 क्लास में बच्चे आपको पढ़ रहे हैं ठीक ठाक से? यहाँ आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, पीटीएम चल रही है, आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी सर। किस वर्ग में पढ़ते हैं? 3B में पढ़ता है। कहाँ से यहाँ पे? हम नौबतपुर से हैं। पढ़ाई करके बना चाहते हैं देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने, अच्छे जगह पर जाए और देश की सेवा कर सके। आवक है जी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी। किस वर्ग में पढ़ते हैं सर? 9th क्लास में। बहुत उम्मीद के साथ अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको यहाँ का जो शिक्षा जो व्यवस्था है यहाँ कैसा शिक्षा कैसी शिक्षा दी जाए कैसी व्यवस्था है यहाँ? अररिया में धनतेरस के मौके पर दुकानदारों ने अपने सामानों को सजा कर रखा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स बर्तन सोने चांदी की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने की संभावना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग में इन पर असर डाल दिया है। आज धनतेरस सबसे पहले बात तो कस्टमर को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पे उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड है का सामान है और जहाँ तो ऑनलाइन से ज़्यादा का अंतर है नहीं। हाँ, क्योंकि धनतेरस में हम लोग भी ऑफ़र दिए हुए हैं। हाँ, जो उसे ऑनलाइन में ऑफ़र है उस टाइप का ऑफ़र हम लोग भी दिए हुए हैं। हर चीज़ पे ख़रीदारी पे कुछ ना कुछ ऑफ़र निश्चित है। सबसे पहले तो दीपावली और छठ का धन्यवाद। हाँ, उसके बाद हम लोग का इस बार धनतेरस कुछ ठीक ठाक ही जा रहा है और बहुत सारा कुछ आया भी है धनतेरस में। इस बार का धनतेरस कुछ अच्छा है और गोविंद इंटरप्राइजेज भी इस बार बहुत अच्छा नई शुरुआत किए हुए हैं। धनतेरस ठीक है, इस बार जो है बहुत अच्छा रहा और अभी भी आज धनतेरस शुरू है। आज के दौर में भी जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो भी है सब जिज्ञासु है उसके प्रति और अपने घर के लिए लोग सजावट के लिए इलेक्ट्रॉनिक का सामान उपयोग करते हैं। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ छात्रों ने सासाराम रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी कर दिया। छात्रों ने आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस बल के ऊपर पथराव भी किया है। हंगामा कर रहे छात्र ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़के बताए जा रहे हैं। ये सभी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर एकत्र हुए और वहां से हंगामा करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। हम लोग रेलवे जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ में किए हुए हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे रेलवे विभाग प्राइवेट कंपनी को दिया जाए इसके तहत से और एजुकेशन का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान के कुछ आतंकी के नेपाल के रास्ते बिहार के अंदर प्रवेश कर भारत में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की खुफिया रिपोर्ट के बाद दरभंगा सहित बिहार के कई जिले अलर्ट पर हैं, जिसको लेकर दरभंगा पुलिस विशेष नजर बनाते हुए जिले में सघन वाहन चेकिंग चलाकर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है।
है त्यौहार, त्यौहारों का मौसम चल रहा है और हमारे सामने अभी दीपावली का भी त्यौहार है, छठ पूजा भी आने वाली है, तो हम लोग वैसे ही अपने तैयारियों को लेकर के अलर्ट हैं और हम लोग की तैयारियाँ जो हैं वो सिस्टमेटिकली चल रही हैं। सर, आतंकवादी छुपे होने की बात जो सामने आ रही है तो उसको लेकर सर किस प्रकार, चूँकि दरभंगा मॉड्यूल के नाम से ये काफ़ी चर्चित रहा है। जी हाँ, दरभंगा पहले भी सेंसिटिव रहा है, अभी भी सेंसिटिव है और इस प्रकार की जो अलर्ट हैं वो हम लोग के पास आती रहती हैं और हम लोग उस पर जो भी अपनी अग्रतर कार्रवाई होती है वो हम लोग करते रहते हैं और हम लोग इसमें भी जो इसमें इंफॉर्मेशन उसको डेवलप कर रहे हैं और जैसा भी पाया जाएगा वैसे कार्रवाई करेंगे हम लोग। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड परिसर में कृषि जागरूकता अभियान, रबी फसल प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर कृषि से संबंधित योजनाओं की विस्तृत रूप में जानकारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आए हुए कृषि वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। कृषि विभाग के द्वारा रबी महोत्सव, रबी महाअभियान के अंतर्गत एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पीरपैंती प्रखंड में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को रबी मौसम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान करना और इसके साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इन फसलों के खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी, रोगों की रोकथाम, इनकी जानकारी के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षण कार्य चलाना। मसौढ़ी विकास मोर्चा ने बाढ़ प्रभावित कराए पंचायत के लोगों के बीच राहत प्रदान करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसका नेतृत्व विकास मोर्चा के अध्यक्ष नवल भारती ने किया। बात यही से है तो सरकार के नियत नीति में जरूर खोट हवा। बात हमने के पक्का समझ लेवे के है कि सरकार आप तक एकर निदान करे के फिराक में न हवा, आज तक चाहे कोई के सरकार बनल। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।